आज हम कवर करेंगे नेटफ्लिक्स में बनने वाले वेब सीरीज के बारे में, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अक्सर उनकी सीरीज बनती रहती है, और हम उन सीरीज के बारे में बात करेंगे जिनका हिंदी में डब किया गया है। तो इस लिस्ट को हम स्टार्ट करेंगे। हमारे इस लिस्ट में 15 ऐसे वेब सीरीज हैं जिनको हिंदी में डब किया गया है। लिस्ट में पहले नंबर पर है द प्रोटेक्टर। द प्रोटेक्टर एक एक्शन फैंटेसी साइंस फिक्शन बेस्ड जॉनर की वेब सीरीज है, जिसमें तुर्की इस्तांबुल की स्टोरी दिखाया गया है, जिसमें लीड रोल में हाकिन है जो प्रोटेक्ट करते हैं इस्तांबुल शहर को। लेकिन उनके जिंदगी में एक समय ऐसा आता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करें या फिर अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान दें। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है टार्जन एंड जेन। नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज एक एनिमेटेड सीरीज है जिसका जॉनर एक्शन और एडवेंचर है। इस वेब सीरीज के 2 सीजन पहले ही बन चुके हैं, जिसके पहले सीजन में 8 एपिसोड थे और दूसरे सीजन के 5 एपिसोड हैं, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर है ग्रेट न्यूज। ग्रेट न्यूज एक अमेरिकन कॉमेडी वेब सीरीज है जो कि 2017 में रिलीज हुआ था। इसकी कहानी एक टीवी न्यूज प्रोड्यूसर पर आधारित है, जिसे कि आप हिंदी में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। लिस्ट में चौथे नंबर पर है ल्यूक केज। ल्यूक केज एक एक्शन क्राइम ड्रामा जॉनर मार्वल की वेब सीरीज है, जिसके अब तक 2 सीजन बन चुके हैं। पहला सीजन 2016 में आया और दूसरा सीजन 2018 में आया। इसके हर सीजन में 13 एपिसोड्स बने हैं। ल्यूक केज एक एक्सपेरिमेंट की वजह से सुपर हीरो बन जाते हैं और सिटी को बचाते हैं। नंबर 5 पर है नार्कोस। नार्कोस बायोग्राफी क्राइम ड्रामा जॉनर की कोलंबियन वेब सीरीज है, जिसके अब तक 3 सीजन बन चुके हैं। हर सीजन में आपको 10 एपिसोड मिलेंगे। नार्कोस पाब्लो एस्कोबार के ऊपर बनी वेब सीरीज है, जो कि पास्ट के टाइम के कोलंबिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर हुआ करते थे। लिस्ट में 6 नंबर पर है स्ट्रेंजर थिंग। स्ट्रेंजर थिंग एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर बेस्ड जॉनर की वेब सीरीज है, जिसके अब तक 2 सीजन बन चुके हैं। पहले सीजन में 8 एपिसोड और दूसरे सीजन में 9 एपिसोड और तीसरा सीजन 2019 जुलाई में आने वाला है। सीरीज की स्टोरी में विल नाम का 11 साल का लड़का कहीं खो जाता है और उसकी माँ पुलिस चीफ और उसके फ्रेंड्स उसको ढूंढने में हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लिस्ट में 7वें नंबर पर है द क्राउन। द क्राउन एक ड्रामा हिस्ट्री जॉनर बेस्ड वेब सीरीज है, जिसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। हर सीजन में आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे। क्राउन की स्टोरी क्वीन एलिजाबेथ के पॉलिटिकल और रोमांटिक जीवन पर आधारित है, जिसका इवेंट 20th सेंचुरी दिखाया गया है। लिस्ट में 8वें नंबर पर है हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स एक अमेरिकन बेस्ड ड्रामा जॉनर की वेब सीरीज है, जो कि पॉलिटिक्स पर आधारित है। इस वेब सीरीज के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं। इसका पहला सीजन 2013 में रिलीज हुआ था। स्टोरी की बात करें तो ये एक पॉलिटिक्स बेस्ड स्टोरी है, जिसमें एक कांग्रेसमैन अपनी वाइफ के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों के साथ बदला लेता है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट। ये वेब सीरीज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा जॉनर पर बेस्ड है, जिसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। सीरीज की स्टोरी की बात करें तो एक मिस्टीरियस आग में अपने पेरेंट्स को खोने के बाद उनके बच्चे रहस्य का उजागर करते हैं। लिस्ट में 10वें नंबर पर है हैप्पी। हैप्पी एक कॉमेडी क्राइम फैंटेसी जॉनर बेस्ड वेब सीरीज है, जो कि 2017 में रिलीज हुआ है। इसका अब तक सिर्फ 1 सीजन आया है और जिसमें 8 एपिसोड बने हैं। नेटफ्लिक्स के न्यूज के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इसका सेकंड सीजन 27 मार्च 2019 को रिलीज होगा। सीरीज की स्टोरी में एक हिटमैन किडनैपर बच्चों को किडनैप करता है, लेकिन वहीं एक फ्लाइंग यूनिकॉर्न उस किडनैप हुए बच्ची के फादर के साथ मिलकर बच्चों को बचाता है। लिस्ट में 11वें नंबर पर है ट्रॉल हंटर्स, जो कि एक एनिमेशन वेब सीरीज है, जिसका जॉनर एडवेंचर और कॉमेडी है। इसके अब तक 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिसके पहले सीजन में 26 एपिसोड और दूसरे और तीसरे सीजन में 13 एपिसोड हैं। ट्रॉल हंटर की स्टोरी की बात करें तो एक साधारण लड़का एक जादुई ताबीज पाता है, जो उसे एक ट्रॉल हंटर बना देता है, जो इंसानों और ट्रॉल्स के गुप्त दुनिया का बचाव करता है। लिस्ट में 12वें नंबर पर है द इंडियन डिटेक्टिव। ये वेब सीरीज कॉमेडी क्राइम ड्रामा जॉनर पर बेस्ड है, जिसके स्टार रसल पीटर और अनुपम खेर हैं। ये वेब सीरीज 2017 में रिलीज हुआ और इसके 4 एपिसोड हैं। सीरीज की स्टोरी की बात करें, रसल पीटर जो कि टोरंटो के एक पुलिस अधिकारी हैं, उनके पिता की भारत आने के दौरान हुई हत्या की जाँच करते हैं। लिस्ट में 13वें नंबर पर है यंग जस्टिस। यंग जस्टिस 2010 में रिलीज हुई एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर जॉनर की वेब सीरीज है, जिसके अब तक 3 सीजन रिलीज हो चुके और हर सीजन में इसके 26 एपिसोड है। इस सीरीज में टीनेज सुपर हीरो खुद को जस्टिस लीग में शामिल होने के लिए साबित करते हैं। 14वें नंबर पर है कॉन्ग किंग ऑफ द एप्स। कॉन्ग किंग ऑफ द एप्स 2016 में रिलीज हुई एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर जॉनर की वेब सीरीज है, जिसके अब तक 2 सीजन रिलीज हो चुके। पहले सीजन में 13 और दूसरे सीजन में 10 एपिसोड हैं। इस स्टोरी में एक छोटे एप को टीनेज बॉय बचाता है, जिसका नाम लूकस है और उस एप का नाम कॉन्ग है। लूकस कॉन्ग से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका भाई कॉन्ग से छुटकारा पाना चाहता है। लिस्ट में 15वें
हुए और आखिरी नंबर पर है सुपर मॉन्स्टर। सुपर मॉन्स्टर 2017 में रिलीज हुई एनिमेटेड कॉमेडी फैमिली जॉनर की वेब सीरीज है, जिसके अब तक 3 सीजन रिलीज हुए हैं। पहले सीजन में 20, दूसरे में 12 और तीसरे में 1 एपिसोड है। नेटफ्लिक्स के ये सारे वेब सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा द ओरिजिनल्स, द 100, द वैम्पायर डायरीज कुछ ऐसे वेब सीरीज हैं जिनका ऑफिशियल तौर पर हिंदी डबिंग नहीं हुआ है, लेकिन आप इन्हें हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं जो कि इंटरनेट पर मौजूद है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह मूवीज से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।